कराची में वकील पर मुसल्ला हमले के खिलाफ शारा फैसल पर वकला का एहतजाज। इंतजामिया ने वकला को हमले का मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी करा दी। वकला का कहना है कि शारा फैसल से धरना खत्म कर रहे हैं। मुजाहरीन डिफेंस थाने में FIR दर्ज कराएंगे। एक घंटे से ज्यादा वक्त के बाद शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। वजीर आला सिंध ने एहतजाज का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद जानते नुमाइंदा GTV न्यूज आजम खान से। जी आजम खान, आज बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ कराची बार के वकील पर होने वाला मसला तशद्दुद के बाद आज शाम काला पुल पर शुरू होने वाला एहतजाज जो है कई घंटों के बाद पुरतशद्दुद वाकयात से होता हुआ कराची शारा फैसल के हाथ तक जहाँ पहुँचा, जहाँ पर अब से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कबल शारा फैसल वकला की जानब से शारा फैसल बंद कर दी गई थी। तहम वजी अला सिंध और वजी असला सिंह की जानब से नोटिस लेने पर IG सिंध और एडिशनल IG ने फौरी तौर पर अफसरान से अपने अफसरान को मुजाहिदीन से रब्ता करने का हुक्म दिया, जिसके बाद मुजाहिदीन को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि उन पर होने वाले तशद्दुद की FIR दर्ज की जाएगी। इंतजामिया की जानिब से होने वाली यकीन दहानी के बाद वकला ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है और तमाम वकला डिफेंस थाने जा चुके हैं। ठीक है, अपडेट कर रहे थे आजम खान, बहुत शुक्रिया आपका।